हाय गाइस, देखिए हमारे चावल के खिचड़ी बन रहा है और चावल के पापड़ भी इसे कह सकते हैं जी। पहले पानी का आधन कर रख देते हैं, जब पानी बहुत घुल जाता है उसमें जीरा, खड़ी खड़ी मिर्ची, हींग, सोडा और तेल थोड़ा डाल देते हैं। देख सकते हैं आप कितने जोर से पानी उबल गया है। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा डालते हैं चावल का आटा, उसको मिलाते हैं। ऐसा पेस्ट बन जाता है। फिर एक पन्नी में तेल लगाकर चम्मच से डालते हैं गोल गोल कर कर। आप लोग देखिएगा हम कैसे डाल रहे हैं। यह मेरी ननद है। थोड़ा सा गीला हो गया था इसलिए चम्मच से सिर्फ डाल रहे थे, चम्मच को फेरना नहीं था। फिर भी चावल के पापड़ अच्छे बन गए थे। अब ये सब पापड़ हमारी दीदी ने बनाया है, मतलब हमारी ननद ने, जो कि आपको वीडियो में दिख ही रही है। वो मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी उनकी, ये पापड़ हैं सूखने के बाद।